हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कपिल एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वोडा रोड ऑर्गेनाइजेशन में जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में, शॉर्ट नोटिफिकेशन के बारे में, एलबीटी कंडीशंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स, आपकी जो वैकेंसी निकली है सीमा सड़क संगठन में आपकी वैकेंसी निकली है, तो इसके अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे फुल नोटिफिकेशन और फॉर्म कैसे फिल करना है, एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा, हम उसके बारे में बात करेंगे, फॉर्म कैसे फिल करना है, ऑल कंडीशंस के बारे में, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाना है, कैसे भेजना है उसके बारे में, कैसे भरना है आपको उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपकी जो वैकेंसी है बॉर्डर रोड विंग एंड बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी आपकी निकली है। जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग कोर्स आपकी होते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा, 03/2022 यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स। तो इसमें लिखा गया है कि आपको जो केयरफुली आप जब भी फॉर्म फिल करेंगे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज होगा, फुल नोटिफिकेशन आपको केयरफुल रीड करना है, उसके बाद ही आपको फॉर्म फिल करना होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस जो पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट एलिजिबल है फॉर्म फिल कर सकते हैं, जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स में वो इंडियन नेशनल कैंडिडेट होने चाहिए, भारतीय कैंडिडेट होने चाहिए फ्रेंड्स, भारतीय कैंडिडेट होने चाहिए और ओनली मेल कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं फ्रेंड्स, सिर्फ पुरुष कैंडिडेट इसमें फिल कर सकते हैं। बात करें पोस्ट ट्रेड और कैटेगरी वाइज वैकेंसियों के बारे में, ड्रगमैन में फ्रेंड्स 14 वैकेंसी टोटल है, जनरल के लिए 6 वैकेंसी है, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है फ्रेंड्स। सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेटिव में 7 वैकेंसी है, जनरल के लिए 5 है, एसटी 1, ओबीसी 1 रहने वाले है। सुपरवाइजर स्टोर के लिए फ्रेंड्स टोटल 13 वैकेंसी है, जनरल के लिए 7 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 4, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है फ्रेंड्स। सुपरवाइजर क्लिपर के जो यहाँ पे है वैकेंसी है, करंट और ब्लॉक बैकलॉग जो कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे दी गई है, टोटल 9 वैकेंसी है, जनरल के लिए 4 है, एसटी के लिए 2, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 2 यहाँ पे दी गई है फ्रेंड्स। हिंदी टाइपिस्ट की बात करते हैं, इसमें टोटल 10 वैकेंसी है, जनरल के लिए 1 है, एसटी के लिए 4, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 3 है, ईडब्ल्यूएस के लिए फ्रेंड्स 1 वैकेंसी है। ऑपरेटर के लिए देख रहे हैं, कम्युनिकेशन के लिए टोटल 35 वैकेंसी है फ्रेंड्स। इलेक्ट्रीशियन के लिए फ्रेंड्स ब्लॉकलेज और फिजिकली हैंडीकैप जो कैंडिडेट उनके लिए 30 वैकेंसी है, बेल्डर के लिए 24 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शॉर्ट लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाकर देख लें। मल्टी स्किल वर्कर के लिए यहाँ पे 22 वैकेंसी है, मल्टी स्किल वर्कर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई जो आप फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है उनका यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म यहाँ पे दिया गया है। बात करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, 246 टोटल वैकेंसी आपको यहाँ पे रहने वाली है। जैसे फुल नोटिफिकेशन और फॉर्म रिलीज होगा हम उसके बारे में बात करेंगे। इसके लिए आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें फ्रेंड्स। यहाँ पे पोस्ट वाइज कितनी वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज फिजिकली हैंडीकैप की यहाँ दिया गया है, और यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया गया है फ्रेंड्स, और यहाँ पे फुल फॉर्म में आपको बताया गया है। एस का मतलब सिटिंग, एस टी का मतलब स्टैंडिंग, जो फिजिकली हैंडीकैप है उन कैंडिडेट्स के लिए। पे डी एच आर आई ट्रांसपोर्ट अलाउंसेंस जो अदर अलाउंसेंस पेबल है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स इन फोर्सेस के हिसाब से आपका रहने वाला है। और एप्लीकेशन फॉर्म और फुल नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही बी आर ओ की वेबसाइट पर देखने को मिलेगी फ्रेंड्स, उसमें पूरा डिटेल्स एप्लीकेशन एलबीटी क्राइटेरिया वगैरह देखने को मिलेगा। जैसे रिलीज होगा हम उसके बारे में बात करेंगे। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कपिल एजुकेशन।